मैं तो सोच ही रही थी कि तुम्हें कॉल करके शादी की मुबारकबाद दे दूं, लेकिन तुम तो जीत गए। बिल्कुल ठीक कहा तुमने सजय, मैं वाकई जीत गया। अब तो मोहब्बत की आजमाइश पे पूरा उतर गया हूं, या अभी भी कोई इम्तिहान बाकी है? शादी की बहुत बहुत मुबारक हो तुम। बकवास मत करो अपनी। तुमने जो किया है ना मेरे साथ सजीरा, मैं कभी भूलूंगा नहीं। कभी भी नहीं। तेरे गम ये सारे हो गए हमारे, तेरी ओर आ जाएंगे तू अगर पुकारे। आशिकी का मतलब तूने हमको सिखाया, जिसे पाके खो देते हैं वही सरमाया। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा, ऐ यार तूने ये क्या किया। हाँ प्यार के काबिल कर दिया, छोड़ जाए। ऐसा नहीं था पहले जो आज हो गया है। इश्क है तेरा सर पे या कोई दुआ है। इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा, ग्रेजुएशन तो की हुई है ना उन्होंने। अब देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। ग्रेजुएशन? उससे ग्रेजुएट की स्पेलिंग तो पूछ लेना, अगर बता दे तो मैं मान जाऊंगी तुम्हें। स्टोर पे काम करना भी तो जॉब ही होती है ना। देखो यहाँ से जितने लोग भी जाते हैं ना कमाइयां करने, वो ऑफिस में थोड़ी बैठे होते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। हाँ लेकिन झूठ तो नहीं बोलते ना, आपने कहा था कि आप ऑफिस में ओवरटाइम करते हैं, इसीलिए आप मुझसे बात नहीं कर सकते। अब ये बातें करना जरूरी है क्या? तब नहीं बताया तो अब बता रहा, इसमें क्या मसला है? साथ होना इस बात का यकीन है कि मोहब्बत अपना आप मनवा लेती है। मुबारक हो तुम्हें। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो
से क्या देख रहे हो? बात मुख्तलिफ लग रही हो आज। तारीफ करना चाह रहे हो मेरी? प्यारी लग रही हूं? तुम्हारे साथ के यकीन ने मुझे ही नहीं मेरी जिंदगी को भी खूबसूरत बना दिया है। मैं इतना खास भी नहीं हूं शान से। मैं तो खास हूं। मैंने जिसे चाहा पा लिया। मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे यकीन पे पूरा उतर सकूं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम कोशिश करो शानी। कोशिश में तो अज़ियत होती है। मैं चाहूंगी कि इस रिश्ते को हम बहुत मोहब्बत से खुलूस से निभाएं। तुम्हारी बातें मुझे हमेशा बहुत परेशान कर देती। बातें करना छोड़ दूं क्या? मैं इस काबिल नहीं हूं जहां तुमने मुझे बिठा रखा है। यकीन कर लो शानी, खुदा ने तुम्हें मेरे लिए बनाया है। तुम इसी काबिल थे जहां तुम आज हो। अगर मैं तुम्हारा मान ना रख सका तो इन वहमों से बाहर आ जाओ। तुमने मेरा हाथ थामा, मेरा साथ कबूल किया तो समझो मेरा मान रख लिया तुमने। जब से देखा यार का चेहरा और भला क्या देखेंगे, बांध लिया है राम जुनून, अब दिल का तमाशा चाहे या सजा, इश्क आशिक की दवा, इश्क आशिक की दवा, गम हो चाहे या सजा, है यार तूने ये क्या किया, हाँ प्यार के काबिल कर दिया, ये सब तो नसीबों की बात होती है। अब यही देख लो कुलसुम कि आपके नसीब में लिखा था अपने बेटे को रुखसत करना,
वरना इसमें आपका क्या कसूर? अरे आंटी, हर वक्त लोगों की बातों की टेंशन ना लिया करें, कुछ पाने के लिए थोड़ी बहुत तो कुर्बानी देनी ही पड़ती है। देखें तो सही, दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, नहीं? जाग रही हैं आप अभी तक? बेटा तुम सो जाओ, आप जागेंगी तो मैं खाक सो सकूंगी क्या? अम्मी आप खाम खा की टेंशन लेके बैठ गई। मैंने तुमसे कहा भी था कि घर चली जाओ, आराम से जाके सो जाती हैं। अम्मी मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि मैं आपकी वजह से बेआराम हो रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि बिला वजह खुद को तकलीफ में मत डालें आप, प्लीज। अच्छा तुम सो जाओ, मैं जरा बाहर ताजा हवा खाने जा रही हूँ। वैसे शानी, इस घर की लाइट्स कितनी अच्छी हैं, लगता है दिन की रोशनी में बैठे हैं। बहुत अच्छी लड़की है, कोई अपना भी इतना नहीं करता। और जब कोई बाहर का इतना कुछ करने लगे तो अपने भी अपने का रहता। आपको लगता है मैं बेरहम हूं, जुल्म कर रहा हूं मैं आप लोगों पे? नहीं, मैं आप लोगों की आस तोड़ रहा, लेकिन मैं अपना आप नहीं बेच सकता। मेरी भी इज्जत नफ्स है कि नहीं है? अरे लोग तो अपनों के लिए अपनी मैं को मारकर मेहनतें करते हैं, तुम इज्जत नफ्स का ढोल पीटे जा रहे हो। अम्मी दौलत ही सब कुछ नहीं होती इंसान के लिए। बेटा लेकिन दौलत बहुत कुछ होती है। इन बेरोजगारी के दिनों में तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ इस बात का? कम से कम यह अंदाजा जरूर हो गया कि वो बेरोजगारी के दिन इन दिनों से हजार दर्जे बेहतर थे। दिल में किसी किस्म का खौफ तो नहीं था ना? कैसा खौफ? फिर से खाली हाथ रह जाने का खौफ, सब कुछ छिन जाने का खौफ। अम्मी कभी आपने सोचा कि ये इनायतें या नवाजिशें जो कर रही है वो, अगर कल किसी बात पे वो नाराज हो गई, उसको कुछ नागवार गुजरा तो क्या करेंगी आप? हम फिर से खाली हाथ रह जाएंगे? दुनिया का सामना कर सकेंगी आप उसके बाद? कि सारी इनायतें आप पे जो वो कर रही है, इसके बदले में अगर आपसे उसने कुछ मांग लिया तो क्या करेंगे आप? मेरी एक शर्त है, शादी के बाद शानी हमारे साथ रहेगा। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। सोई क्यों नहीं अभी तक? मैं तो समझ रहा था आज आपको बहुत सुकून की नींद आएगी। तंस कर रहे हो मुझ पर? नहीं, आपकी इतनी बड़ी ख्वाहिश पूरी करके आ रहा तो परेशान मत हो। तुमने घर दामाद बनने की शर्त क्यों कबूल की? रह सकोगे हम सबसे दूर? तो आप लोगों ने मुझे बहुत पहले कर दिया था। मैं यहां भी अजनबी बनकर ही रह रहा, वहां भी रह लू।
वैसे शानजे और शानी, आप लोगों का हनीमून ट्रिप तो हमने कंफर्म कर दिया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि उससे पहले आप हमें विजिट करें। जी। मॉम एंड डैड की फ्लाइट है, मॉम अभी डैड के साथ जा रही है, वहां से अपनी डेस्टिनेशन पे रवाना हो जाएंगे। हाँ, लेकिन उससे पहले डैड के साथ कुछ टाइम स्पेंड करूंगी, मैं भी देखूं इनकी एक्टिविटीज हैं क्या। ओहो, इसका मतलब है कि मुझे वहां भी सुख का सांस नहीं मिलेगा। डोंट वरी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मॉम एंड डैड की जब भी कन्वर्सेशन सुनोगे आपको लगेगा कि इन्होंने साथ जिंदगी कैसे गुजारी है, मगर ये सच है कि और सच ये है कि टॉक्सिक रवैये बर्दाश्त करने की अहलियत मुझ में ज्यादा है। ये तुम कैसे फैसला कर सकते हो कामना, सारी जिंदगी तो मैंने तुम्हें बर्दाश्त किया। आप दोनों फिर शुरू हो गए। नहीं, I'm sorry बेटा, I was just kidding. Sorry. शानी, यार लो ना बेटा कुछ, तुम खा ही नहीं रहे हो, इसको दो ना शान से, ऑमलेट डाल के दो। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छी लग रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं सोचती कि मैं ऐसे बन संवर के जाता हूँ तो कहीं और चक्कर हो मेरा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, ऐसा कभी सोचना भी मत। असल में स्टोर जो है ना वो पॉश इलाके में है ना, तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना पड़ता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि स्टोर चल पड़ा। हाँ, तभी तो कह रहा था कि थोड़ा सब्र करो, वक्त के साथ साथ सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। देखो हो गई ना। जी, वैसे स्टोर का रेंट कितना है? रेंट का तुमने क्या करना है, ये मर्दों के मामले हैं, तुम इनसे दूर रहो। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे डर लगता है, आप मुझे इन सारे मामलात से दूर रखते हैं, कुछ पता ही नहीं है मुझे, कल को अगर कोई मुश्किल आन पड़ी तो क्या करेंगे? कैसी मुश्किल? अब देखिए, आपने ये स्टोर भी तो कुछ शरायत पे लिया होगा ना, आगे जाके अगर हम शरायत पूरी ना कर सके तो? ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी तसल्ली के लिए ये है कि मैंने प्रॉफिट में से कुछ पैसे बचाना शुरू कर दिया ताकि कर्जा उतर सके। चले, अल्लाह मदद करेगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा सुनो, आज शानी की तरफ चलें, बहुत दिन हो गए नहीं गए, मुफ्त जैसे मैं भूल ही गए। दोनों भूल गए हमें। तो क्या हुआ, वो हमें भूल गए ना, हम तो नहीं भूले। हम चलते हैं, वो शानी के सास ससुर चले गए? नहीं। अच्छा, तो फिर ऐसे कि उनके जाने के बाद ही चलते हैं। अब उनके जाने के बाद तो घर शानी का ही है, शानी का मतलब हमारा ही है, तो चलेंगे? जी। ओके, चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम लोग वेट करेंगे तुम लोगों के ट्रिप का। हम जल्दी आएंगे मॉम। प्रॉमिस। और शानी, मेरे शानजे का ख्याल रखना। जी। इसको कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि ये तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। चलें, देर हो रही है। अल्लाह हाफिज। वीडियो कॉल करूंगी मैं। ओके बेटा। ओके डैड। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके शानी। अल्लाह हाफिज बेटा। अपना ख्याल रखना। अभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और इसका भी। जी, फिक्र नहीं करें। डैड चाहते हैं कि ऑफिस को मैं संभालूं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तय नहीं हो सकता,
ये तो अपनी जिम्मेदारियों से फरार वाली बात है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऑन एंड ऑफ आती जाती रहूंगी और तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी मुझे बता देना। नहीं, ये नहीं होगा मुझसे शान सर। क्या? मैं अंकल की सीट पर नहीं बैठ सकता। डैड की इजाजत से मैं तुम्हें ये ऑफर कर रही है। नहीं शान साहब, अंकल की सीट पर तुम बैठना, मेरे लिए मेरी ऑफिस की सीट ही सही है। काम तो माँ से भी हो सकता है ना। मगर प्लीज, अब इस वॉल्स पे भी और बात नहीं करना। आई एम सॉरी, ये बात नहीं मान सकता मैं तुम्हारी। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं बैठ जाऊंगी डैड की सीट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, गुड। और कभी मेरी जरूरत हो तो मैं गाइड करने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है? रियली? मजाक कर रहा। मजाक भी इतना सीरियस होके करोगे तो मजाक नहीं लगेगा। जैसे डैड की भी तुम्हारे बारे में यही राय कि तुमने बहुत जल्दी चीजों को अंडरस्टैंड किया और तुम मुझे भी गाइड कर सकते हो। बस अल्लाह करे उनके सतमात पे पूरा उतर सकूंगा। आज तुम्हारी तरफ चले आंटी और जुगनू से मिलने। क्या हुआ? तुम चले जाना, अब मैं नहीं जा सकूंगा आज। तू नाराज हो क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आज ऑफिस में काम ज्यादा है। अच्छा, तुम चली जाना, तुम्हें मिलके खुश होंगे वो लोग। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि हम दोनों ने एक ही यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। अरे तो क्या हुआ, मैं अपनी लाइन चेंज कर लूंगा। तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना मैं, इंजीनियरिंग ना सही बिजनेस फील्ड ही। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता अब। अरे हंस क्यों रही हो, मैं सीरियस हूँ। बस मैंने सोच लिया कि मैं कल ही ना फॉर्म उठाऊंगा और तुम्हारे डिपार्टमेंट में जमा करा दूंगा, बस। एक मिनट, जरा बेल बज रही है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ ओके ओके, ख्याल रखो। बैठे, मैं अम्मी को बता के आता हूँ। ठीक है। अम्मी आए, देखें कौन आया। अरे वाह, अस्सलामुअलैकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। जीती रहो जीती रहो, बैठो। आज भी शानी नहीं आया तुम्हारे साथ। आंटी वो ऑफिस में बिजी हैं, आ जाएंगे इंशाल्लाह। जानती हूँ मुझसे नाराज है, नहीं आएगा वो। ओहो अम्मी, वो क्यों आपसे नाराज होंगे भला? अब तुम्हारा एडमिशन का क्या बना जुगनू? जी भाभी, मैंने प्लान चेंज कर लिया है। मैं सोच रहा हूँ कि इंजीनियरिंग की जगह बिजनेस वाली फील्ड में एडमिशन ले लूँ। खुद ही कुछ फैसले किए जा रहा है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। शानी तो बता रहे थे कि तुम इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हो। जी भाभी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जरा बिजनेस वाली फील्ड में आ जाए, क्योंकि भाई ने भी तो MBA किया है ना। अच्छा, तो यूं कहो ना कि भाई के नक्शे कदम पर चलना है। जी, भाई के नक्शे कदम पर चलने के तो फायदे ही फायदे हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ अम्मी अब्बू से बात हुई, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है आंटी, हमारा भी प्लान है बहुत जल्द उनके पास जाने का। अल्लाह तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करे, दोनों खुश रहो, शादाबाद रहो। आमीन। आज आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलें, मैं कल खुद ड्रॉप करने आ जाऊंगी। क्यों जुगनू? मैं तो रेडी हूँ हमेशा की तरह, इनको मना लें बस आप। आंटी तो कभी मेरी बात नहीं टालती, क्यों आंटी? बेटा कहीं और अब नींद नहीं आती, मैं किसी वक्त दिन में आ जाऊंगी तुम्हारे पास। किसी और दिन नहीं आंटी, आज ही आप जाएंगी मेरे साथ। डिनर के बाद अगर ज्यादा प्रॉब्लम हुई तो ड्राइवर ड्रॉप कर देगा आपको। और अगर शानी को अच्छा ना लगा तो? आंटी उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और आपका वहम भी दूर हो जाएगा कि वो नाराज है आपसे। अच्छा चलो ठीक।
हाय हाय शानी, आज लंच के लिए घर पे आना। लंच के लिए खैरियत? एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? मैं वेट करूंगी। हेलो। वाह भाई वाह, आज तो बड़ी सेल्फीज दी जा रही हैं। यार असल में भाई के घर दावत पे आए थे ना। तुम्हारे भाई का घर तो बहुत शानदार है। असल में अम्मी को बड़े घर में रहना पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अम्मी के साथ दूसरे घर पे रहता हूँ। तुमने अपने भाई से बात की कि तुम्हें अपनी फील्ड चेंज करनी है? उनको कोई एतराज नहीं है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब रीजन मांगेंगे तो क्या रीजन दोगे? देखो पहली बात तो ये वो पूछेंगे नहीं अपनी जिंदगी में, वो बहुत मस्त है। और अगर बिलफर्ज को पूछ भी लिया तो मैं यही कहूंगा कि आपके भाई को मोहब्बत हो गई है। और फिर वो कुछ नहीं कहेंगे क्या? उन्होंने कुछ नहीं कहना, वो तो खुद इस मैदान के जंगजू हैं। और मोहब्बत करना कुछ जुर्म थोड़ी होता। आई सी, तो तुम उन्हें फॉलो कर रहे हो। तुम्हें क्या मालूम भाई की किस्मत कैसे चमकी है। मैं तो उन्हीं को फॉलो करूंगा और तुम्हारे सहारे अपनी किस्मत चमकाऊंगा। हेलो, क्या सोचने लग गए भाई? सीमा वो मैंने ये कहना था कि अब मैं तुम्हारे बगैर एक लम्हा नहीं गुजार सकता, पता है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ग्रेजुएशन तो हो रहा था बेबी। ओ हेलो बेबी, बेबी न्यू मैं, ओके? यू आर। मैं मॉम के साथ फ्रांस गई थी, उनकी कॉन्फ्रेंस थी और मेरी आउटिंग हो गई थी। बहुत प्यारी तस्वीरें है ना। और हाँ ये मैं डैड के साथ पेरिस गई थी। अच्छा, एक बात पूछूं बेटा, तुम्हारे अम्मी अब्बा कभी साथ इकट्ठे नहीं गए? मेरा मतलब है अलग अलग तस्वीरें हैं ना दोनों की। एक्चुअली मॉम एंड डैड हमेशा अपनी अपनी लाइफ में बहुत बिजी रहे। काफी सालों बाद एक साथ गए और बहुत खुश हैं, शुक्र है अल्लाह का। अच्छी बात। ये देख रही है कितनी प्यारी ना। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बहुत वालेकुम सलाम। आपको भाई शान से गई थी तो मुझे साथ ले आई। आंटी भी आपसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। आप लोग बैठे, मैं खाना लगवाती हूँ। बहुत अच्छा कि आप आ गए। माँ से नाराज थे क्या? बिल्कुल भूल गए बाप। बेटा मेरी गलतियों की इतनी बड़ी सजा दोगे मैं सोच भी नहीं सकती थी। सजा तो मैं काट रहा हूं क्योंकि खुदगर्जी की। ऐसा मत कहो बेटा, बहुत अच्छी लड़की है।
सुनेगी तो उसको दुख होगा। दूसरों के दुखों की परवाह करते करते तो यहां तक पहुंच गया हूं। सारी दुनिया रश करती होगी मुझ पे। लेकिन कोई नहीं जानता कि अंदर से खोखला हो गया हूं मैं। ये आसाइशें, ये नेमतें, ये आराम, ये सुकून, ये इज्जत, कहने को सब कुछ मिल गया लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली हो गया हूं मैं। पता है मुझे लगता है कि सारे रिश्ते खोती है। ऐसा मत कहो बेटा, रिश्ते दूर होने से रिश्ते छूट नहीं जाया करते। नफरत होने लगी है मुझे अपने आप से। बनावटी जिंदगी गुजार रहा हूं। शान से बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल करती है मेरा, मेरे हर दुख हर सुख को समझती है, लेकिन लेकिन अम्मी मैं तते हो गई, दिल से हंसा नहीं हूं। लगता है वो वक्त जो मैंने आप लोगों के साथ गुजारा, आपकी डांट सुनने के लिए कान तरस गए। दिल चाहता है मैं दोबारा से जुगनू और नादिया से लड़ूं, लेकिन कुछ लगता है गुजर गया। बस मेरी जिंदगी तो वही थी ना, मैंने ऐसी जिंदगी की तो कभी ख्वाहिश नहीं की थी। चलें, खाना तैयार हो गया।